Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aaj ki class ke andar hum hamare pichle jo humne 6 tenses padhe the, simple ke 3, present simple, past simple aur future simple, aur present continuous, past continuous aur future continuous, ye 6 tenses ke hum practice karenge aur jumlon ki bas practice ke liye class rakhi hai ye. और हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस करे थे, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का एक जनरल यही फार्मूला है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके साथ वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. अब टेंस के हिसाब से चेंज होता है फार्मूला थोड़ा बहुत, मतलब वर्ब की फॉर्म चेंज होती है. इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कोई भी अंदर से आ सकता है, इन चारों बकेट्स में से कोई भी यूज़ हो सकता है. तो बस मेन हमारा ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट. लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आता, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं. ठीक है, तो ये हमारा जनरल फार्मूला हमें जैसे याद था. और इस फार्मूले को अगर मैं आपको लिख के देना चाहूँ, यहाँ पर आते रहेंगे ये जुमले लिखे हुए मेरे पास एक तरफ यहाँ पर, और उन जुमलों से मुझे डिसाइड करना है कि वो कौन से टाइम का है और कौन से टेंस का है. हमारे पास 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हमारे पास टेंसेस 4 तो है, लेकिन हमने सिर्फ 2 पढ़े, तो उन 2 में से कोई होगा, या तो सिंपल होगा या कंटिन्यूस होगा. और कंटिन्यूस की निशानी है रहा, रही, रहे आता है. और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की निशानी है, प्रेजेंट में है, हूँ, ये सब आता है, और पास्ट में था, थी, थे, और फ्यूचर में होगा, करेंगे, गी, गा, गी, इस तरह से अल्फाज आते हैं. उन्होंने मुख्तसर कहानियाँ लिखी थी की वजह से पता चल गया पास्ट है. और क्योंकि रहा, रही, रहे, इस तरह से कुछ नहीं आ रहा ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है. लिखी थी, वन टाइम लिख दी, तो ये हमारी ये वाला जुमला हमारा पास्ट सिंपल का है. पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, क्योंकि ये मजबूत जुमला है, इसमें नहीं का लफ्ज़ नहीं आ रहा, ना ही ये सवाल है कोई. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट. ठीक है, उन्होंने मुख्तसर कहानियाँ लिखी थी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो जो भी उन्होंने, ये एक नहीं लग रहे, एक से ज़्यादा ही लग रहे हैं. और हम उर्दू में किसी को इज्जत देने के लिए भी कह देते हैं किसी एक फ़र्द को, लेकिन बड़े तो हम कहते हैं उन्होंने लिखी थी, तो वो एक भी हो सकता है फ़र्द, लेकिन यहाँ पर हम एक से ज़्यादा वाला सब्जेक्ट लेते हैं. दे रोट शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है, हमारा राइट की सेकेंड फॉर्म रोट है. ठीक है, तो दे रोट शॉर्ट स्टोरीज, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, वो मुख्तसर कहानियां लिखती है. अब ये किसी एक फर्द की बात हो रही है, और लिखती है ये कोई एक फर्द, लड़की है. लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या है कि वैसे हमें देखना है प्रेजेंट है, और लिख रही है नहीं लिखा हुआ यहां पर. ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट तो है, और प्रेजेंट में रहते हुए सिंपल है हमारा, तो प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट सिंपल में एस ई एस भी आ सकता है, और वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे. कि सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई, यू और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट है, वो क्या है? कोई भी इकलौता सब्जेक्ट. ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है वो, है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस ई एस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो लिखने का वर्ब है राइट, और राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही है, तो सब्जेक्ट हमारी वो एक लड़की है, वो शी. अभी कैपिटल स्मॉल का ख्याल नहीं रख रहा, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. शी राइट के साथ एस आ जाएगा, शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुख्तसर कहानियाँ लिखेंगे. अब ये कोई काम फ्यूचर में होगा, हो रहा होगा नहीं बोला हुआ, तो होगा कुछ भी होगा, करेंगे, ये फ्यूचर का है, और रहा होगा नहीं है तो मतलब कंटिन्यूस नहीं है. तो फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है तो क्या बचा? फ्यूचर सिंपल. वो मुख्तसर कहानियाँ लिखेंगे, अच्छा फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है तो फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है. लेकिन देखिए रहा, रही, रहे नहीं आ रहा ना, तो कंटिन्यूस का कोई भी टेंस नहीं होगा, ना फ्यूचर कंटिन्यूस होगा ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा. ये बचते हैं 2, फिर फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट की उर्दू एंडिंग्स भी
चुका है, कर चुका है, कर लिया, सॉरी कर चुका होगा, कर लिया होगा, कोई काम हो चुका होगा, इस तरह की उर्दू एंडिंग्स होती है। तो ये ऐसी उर्दू एंडिंग नहीं है, ठीक है। वो मुख्तसर कहानियाँ लिखेगा या लिखेंगे, तो ये एक फ्यूचर सिंपल का टेंस होगा हमारा, और जब परफेक्ट पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ आ जाएगा। फिलहाल हमारे टेंसेज जो है सिंपल और कंटिन्यूस के हम पढ़ रहे हैं खाली। वो मुख्तसर कहानियाँ लिखेंगे, एक से ज़्यादा लग रहे हैं, फ्यूचर में है, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा ना एक से ज़्यादा लग रहे हैं, फ्यूचर के केस में गलत बोला, क्योंकि एक हो, एक से ज़्यादा हो, मैं हूँ, आप हो, फ्यूचर में कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके साथ विल आना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जानी है, बहुत आसान है ये। इसी तरीके से हमारा पास्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा हो, जो भी हो, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जानी है। प्रॉब्लम खाली प्रेजेंट सिंपल के अंदर है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वो अगर आ जाता है तो उसके साथ वर्ब के साथ ऐसी एस आता है, तो ये खाली उसके लिए हमें इतनी लंबी बात करनी पड़ती है हर दफ़ा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, वो मुख्तसर कहानियाँ लिखेंगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो दे होगा, अगर लिखेगा होता तो ही होता, लिखेगी होता तो शी होता। अली मुख्तसर कहानियाँ लिखेगा तो अली हमारा सब्जेक्ट होता, मैं मुख्तसर कहानियाँ लिखूंगा आई मेरा सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर वो मुख्तसर कहानियाँ लिखेगा तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ही, और सब्जेक्ट के बाद हमारा फिर क्या है, विल, विल के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट की राइट ही है फर्स्ट फॉर्म, राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट है, सेकंड फॉर्म रोट है, और थर्ड फॉर्म रिटेन है। ऊपर वाले जो जुमले में सबसे पहले जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी तो रोट लिखा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये आपको याद करनी पड़ेंगी, मतलब इररेगुलर वर्ब्स की तो याद करनी पड़ेंगी, वो ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज होती है। तो यहाँ दो मसले हैं, सबसे पहले तो लफ्ज पता होना चाहिए कि किसी भी एक्शन की इंग्लिश क्या है, तो लिखने की इंग्लिश है राइट, फिर उसके साथ साथ उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए, सही है। सेकंड और थर्ड फॉर्म वाले टेंशन कौन से अल्फाज में नहीं होते, वो जो नाउन है, नाउन हमारे या कोई सिफ्त बता रहे कोई ऐसे अल्फाज जैसे कि अली, अब अली की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें कोई हरकत जाहिर नहीं हो रही। ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब हो, वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी किस्म का अमल या एक्शन जाहिर कर रहे होते हैं, उनकी सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म का टेंशन लेना होता है हमें खाली, ठीक है। अच्छा, ही विल राइट शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। अगला जुमला है, वो मुख्तसर कहानियां लिख रहे थे। अब ये थे की वजह से पास्ट है और रहे की वजह से कंटिन्यूस है, ये हमारा जारी एक्शन है पास्ट का, और पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब तो आता ही है, लेकिन हमारे कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब की वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है हमारे कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में, इस तरह से होते हैं, सब्जेक्ट प्लस कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, जो कि आई एन जी फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमारे कंटिन्यूस के सेंटेंसेस के ये वाले होते हैं, बी वाले हेल्पिंग वर्ब्स, और बी में क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए बी के पास इज एम आर है, इन तीन में से कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूस में, विल बी। तो यहां पर हमारे पास, क्योंकि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है, तो पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो बी के हेल्पिंग वर्ब के बकेट के अंदर, पास्ट कंटिन्यूस में रहते हुए क्या था हमारे पास, वॉज और वर, तो सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर वर आएगा, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आई एन जी फॉर्म, मतलब राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, शॉर्ट स्टोरीज। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो मुख्तसर कहानियां लिख रहे थे, लिख रहा था नहीं है, ये एक फर्द नहीं, एक से ज्यादा है, तो दे। अब दे के बाद अगला मसला, वॉज लगेगा या वर लगेगा, चलो फोर्थ फॉर्म तो पता है, दे के बाद बीच में कोई लफ्ज आएगा वॉज वर में से, और उसके बाद राइटिंग आ जाएगा, तो दे वॉज राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज होगा या दे वर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज होगा। तो इसमें सिंपल है, ये जो एस वाला मामला है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, ही वॉज, कोई एक सब्जेक्ट होगा ना तो उसके साथ वॉज लगेगा, तो ये एक से ज्यादा दे तो उसके साथ वर लगता है, यू के साथ भी वर लगता है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर के अंदर से यू के साथ और कोई प्लोरल सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है उसके साथ वर लगता है,
ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वॉज लगेगा और आई के साथ भी वॉज लगेगा. ये ना आई है यहाँ पर ना कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है. तो दे वर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, एक ही सेंटेंस को जानबूझ के लेके चल रहा हूं मैं. अरे यहां पर पूरा जुमला है, देवर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, ये पूरा आ नहीं रहा यहां पर. नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि आप देखें यहां पर लिखा है वो मुख्तसर कहानियां लिख रहे हैं, तो हैं की वजह से प्रेजेंट है और रहे की वजह से कंटिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट उसके साथ इज एम आर, इन तीन में से कुछ आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म. अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो मुख्तसर कहानियां लिख रहे हैं, एक से ज्यादा है, दे, और दे के साथ हमारा आता है आर. आई होता तो एम आता और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो उसके साथ इज आता. दे के साथ भी आर आता है और यू के साथ भी आर आता है कोई भी, और या अली एंड उमर या डॉक्टर्स, टीचर्स, टीचर्स वर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, एक से ज्यादा टीचर हैं तो टीचर्स वर राइटिंग, टीचर्स आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहते हुए, एक से ज्यादा टीचर है तो. और अगर एक टीचर होता तो टीचर इज राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, यू आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, आई एम राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमलों की पॉसिबिलिटीज हैं. और यहाँ पर है दे, दे आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, वो छोटी कहानियाँ लिख रहे हैं. और उसके बाद वो मुख्तसर कहानियाँ लिख रहे होंगे, तो होंगे और रहे, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का सिंपल नहीं है, कंटिन्यूअस है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट उसके बाद विल बी उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, वो मुख्तसर कहानियां लिख रहे होंगे कि इंग्लिश होगी, वो मतलब दे विल बी, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी है, हर केस में कोई भी सब्जेक्ट हो विल बी आना फ्यूचर के अंदर. फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं बड़े सिंपल हैं, उनके अंदर कोई जो भी हेल्पिंग वर्ब एक ही है ना, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ लग जाता है. दे विल बी राइटिंग, अभी मैं बार बार नहीं लिख रहा शॉर्ट स्टोरीज बस. उसके बाद क्या है, मोची जूतों की मरम्मत कर, मोची ने जूतों की मरम्मत की थी, ये एक दफा कोई एक्शन हुआ था, हो रहा था नहीं है ये, तो ये हमारा पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल का हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. हमारा वर्ब क्या है यहाँ पर, मेंड, एम ई एन डी, मेंड, और मेंड की सेकंड फॉर्म है मेंडेड, थर्ड फॉर्म भी मेंडेड है और फोर्थ फॉर्म है मेंडिंग. लेकिन हमारे आज के छह टेंसेस में हमें थर्ड फॉर्म का तो काम ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म का काम है, सेकंड फॉर्म जो कि मेंडेड है उसका काम है, और फोर्थ फॉर्म का काम है मेंडिंग. अच्छा, यहाँ पर मोची ने जूतों की मरम्मत की थी, ये पास सिंपल का सेंटेंस है, तो इसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी मेंडेड. मोची को कहते हैं कॉबलर, मेंडेड शूज, एक से ज्यादा जूते थे ना, जूतों की. अच्छा, उसके बाद है मोची जूतों की मरम्मत करते हैं, ये एक से ज्यादा मोची की बात हो रही है, ठीक है ना. तो यहाँ पर मोची जूतों की मरम्मत करते हैं का मतलब ये हो गया कॉबलर्स होगा ये. एनीवेज फिलहाल हम ये देखते हैं कि टेंस कौन सा है की वजह से पता चल रहा है प्रेजेंट का है, और ता ती ते ते हैं की वजह से पता चल रहा है ये सिंपल है. तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला, सब्जेक्ट हमारा मोची है, एक से ज़्यादा है कॉबलर्स, ठीक है ना, उसके बाद वर्ब की, अब कॉबलर्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि एक से ज़्यादा कॉबलर है, कॉबलर्स हैं, एक मोची होता ना तो फिर हम लगाते उसके साथ उसके वर्ब के साथ एस ई एस. अब यहाँ पर हम कॉबलर्स मेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेंड, ठीक है, और शूज, अगर यहाँ पर एक इकलौता कॉबलर होता तो फिर वो मेंड्स हो जाता इस तरह से कुछ. हेल्प क्यों,
अगर कॉबलर होता तो मेंट्स होता, लेकिन ये कॉबलर्स है तो मेंट आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मोची जूतों की मरम्मत करेंगे, तो फ्यूचर और एक से आखिर फ्यूचर के अंदर हमें मसला ही नहीं है, एक सब्जेक्ट तो एक साथ हो, बस ये है कि ये पता है ये फ्यूचर सिंपल का जुमला है, फ्यूचर सिंपल का है सब्जेक्ट प्लस उसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर सिंपल का सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मोची जूतों की मरम्मत करेंगे तो कॉबलर्स विल मेंड शूज, मेंड की फर्स्ट फॉर्म मेंड है, ठीक है। और फ्यूचर में तो ऐसी एस और इस तरह के कोई झंझट ही नहीं होते, वो सारे जो है ना प्रेजेंट सिंपल में ही होते हैं। अच्छा इसी को फिर हम कंटिन्यूस किस सेंटेंस में देखते हैं, उर्दू में अगर रहा रही रहे आ गया तो कंटिन्यूस के, और है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में होता है था थी थे, और फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा रहे होंगे वगैरह। तो ये हमारे तीनों कंटिन्यूस के, मोची जूतों की मरम्मत कर रहे थे पास्ट, मोची जूतों की मरम्मत कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, और मोची जूतों की मरम्मत कर रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, दूसरा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस है और तीसरा वाला फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। उन तीनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो पिछली बात से रिवाइज कर लें, पिछले जुमलों से अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, एक दफ़ा और बताता हूँ। सब्जेक्ट के साथ हमारा वॉज या वर आएगा, अब यहाँ मोची जूतों की मरम्मत कर रहे हैं, यहाँ मैटर करता है सब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ भी मैटर करता है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट की तादाद देखनी पड़ेगी। अगर इकलौता सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ वॉज लगना है, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है या फिर यू है तो उसके साथ वर्ब लगना है पास्ट कंटिन्यूस में रहते हुए। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो मैं के साथ आई के साथ एम लगेगा, कोई थर्ड पर्सन इकलौता सब्जेक्ट है तो उसके साथ इस लगेगा, बाकी यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहते हुए। और फ्यूचर कंटिन्यूस में जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल भी लगना है। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर ले तो उसके बाद से मतलब आसान है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख जानी है। मोची जूतों की मरम्मत कर रहे थे कॉबलर्स वर मेंडिंग शूज, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूस में कॉबलर्स आर मेंडिंग शूज, अगर आई होता तो आई एम मेंडिंग शूज होता, और यू होता तो यू आर मेंडिंग शूज, ही होता तो ही इज मेंडिंग शूज, कि वो जूतों की मरम्मत कर रहा है। अच्छा मोची जूतों की मरम्मत कर रहे होंगे कॉबलर्स विल बी मेंडिंग शूज, शूज लिख देना सही। अच्छा जी उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कारपेंटर ने फर्नीचर बनाए थे, कारपेंटर फर्नीचर बनाते हैं, कारपेंटर फर्नीचर बनाएंगे, कारपेंटर फर्नीचर बना रहे थे, बना रहे हैं, बना रहे होंगे, ये सारे सेंटेंसेस की मैं आपको वर्बली बताता हूँ। बनाए थे फर्नीचर, बनाए थे पास्ट सिंपल, बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल, बनाएंगे फ्यूचर सिंपल, बना रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, बना रहे थे पास्ट कंटिन्यूस, बना रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। और कारपेंटर है इसमें सब्जेक्ट, और एक से ज़्यादा कारपेंटर है तो कारपेंटर्स, पास्ट सिंपल की इंग्लिश बनानी है, पहला वाला जुमला पास्ट सिंपल का, कारपेंटर्स मेड फर्नीचर, मेड क्यों है, क्योंकि वर्ब है हमारा मेक, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मेड, और हमारे पास पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसी तरीके से कारपेंटर्स फर्नीचर बनाते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट आता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर इकलौता है कोई तो एसीएस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कारपेंटर्स है अगर तो फिर वह एक सब्जेक्ट नहीं हुआ। कारपेंटर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेक बनाना, कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, ठीक है। और कारपेंटर होता इकलौता तो कारपेंटर मेक्स फर्नीचर होता, ठीक है। बना रहे हैं कारपेंटर्स आर मेकिंग फर्नीचर, बना रहे थे कारपेंटर्स वर मेकिंग फर्नीचर, कारपेंटर्स विल बी मेकिंग फर्नीचर, इसकी इसका मतलब हो गया बना रहे होंगे फर्नीचर, ठीक है ना। और कारपेंटर्स फर्नीचर बनाएंगे, कारपेंटर्स विल मेक फर्नीचर, वन टाइम एक्शन कोई। तो इस तरीके से करके
ये आप लोग ये सेंटेंसेस जो हैं ये मैंने असाइनमेंट में दिए थे आप लोगों को, तो ये हमारे असाइनमेंट्स में अगर आप क्लास 9th का असाइनमेंट खोले, क्लास 10th का असाइनमेंट खोले, क्लास 11th का असाइनमेंट खोले, तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। क्लास 9th के असाइनमेंट में आपको वर्ब्स मिलेंगे, दीगर वर्ब्स है 10-15 वर्ब्स है, जिसमें आपको एक मिसाल दी है किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद किस तरह फोर्थ फॉर्म आती है, तो वो कुछ मिसालें हैं। अब वो तो हमें याद करनी पड़ेगी लिस्ट, और मैं कोशिश करूँगा कि सून आपको कमिंग क्लासेस में जो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे एक्शन वर्ब्स हैं ना, उनकी लिस्ट मिल जाए, ताकि रोज़मर्रा जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना उसके अगर हमारे पास एक्शन वर्ब्स हैं ना, जैसे राइट, ये एक एक्शन वर्ब है, आपको काम करने वाला पता है, उसके साथ जो काम चल रहा है उसकी इंग्लिश आती है, ठीक है, तो बस आपका जुमला बन जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा इंग्लिश में। उसके बाद फिर हमारे थोड़ी पेचीदगी सेंटेंस में आ जाती है, वो प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल से आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो किताबें लिख रहे थे ऑफिस में बैठकर, अब ये जो ऑफिस में बैठकर आगे जुमला है ना, इसके अंदर इन द ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिस में बैठकर, सिटिंग इन द ऑफिस, तो ये अब इन का मतलब किसी चीज़ के अंदर, ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे से, बाय का मतलब किसी चीज़ के बराबर से, बिसाइड्स का मतलब किसी चीज़ के बराबर से, थ्रू का मतलब किसी चीज़ से गुजरते हुए, तो ये जो सारे लफ्ज़ हैं ना, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सारे डायरेक्शंस, ये हमारे प्रपोजिशंस के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, और वो हम जैसे अब इन क्लासेस के बाद हमारी ट्रांसलेशंस की क्लासेस हैं, और अभी तो हमारे ये पॉजिटिव के सेंटेंसेस हुए 6, इसके बाद यही 6 सेंटेंसेस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वही, यही सिंपल के 3, कंटिन्यूस के 3, हमारे ये 6 टेंसेस के हमने पॉजिटिव जुमले पढ़े, इन्हीं को नेगेटिव, और उसके बाद उसके क्वेश्चन, और उसके बाद उसके मनफी सवाल, नेगेटिव क्वेश्चन, ये हम सीखेंगे। तो उसके साथ फिर हमारा इंशाल्लाह ये हो जाएगा कि आप जो है ना जुमले 6 के बदले 24 किस्म के जुमले बनाना सीख जाएंगे। फिर हम प्रेपोजिशंस को भी साथ साथ टॉपिक के अंदर पार्ट बनाएंगे, और हमारी ट्रांसलेशन चली होगी, तो मेनली हमारे 6 टेंसेस और उनके अंदर ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस कवर होंगे एक्टिव वॉइस के, वो भी उसके बाद आगे थोड़ा सा पहुंचेंगे, तब जाके हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कवर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, ये आपस में बड़े नड़ते हैं, मतलब इनकी उर्दू ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये सीखने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि बाकी 6 पे कमांड हो जाए। थैंक यू वेरी मच, कीप फॉलोइंग अस, और हमारी क्लास जिस तरह से चल रही है ना, हमारे esquadacademy.online के अंदर आप अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ आपको असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे हर क्लास के हिसाब से, तो आप बस उनको फॉलो करें। जज़ाकअल्लाह।